अगर आप इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे तो 241 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस ये ऑफर करती है। साथ ही जो इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी है वो 700 मिलीमीटर की है। तो इन्हीं फिगर्स के साथ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ऑफ रोडिंग पोटेंशियल कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। अब गाड़ी के अंदर जाने से पहले एक चीज बताना जरूरी है कि इसमें आपको फुट रैक या फुट स्टेप नहीं मिलता है और इसकी हाइट ठीक ठाक है। तो गाड़ी के अंदर क्लाइंब करने के लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एटलीस्ट मुझे तो एफर्ट्स करने पड़ते हैं इस गाड़ी के अंदर एंटर करने के लिए। ये देखिए, अगर फुट स्टेप होता तो शायद इसके अंदर आना ज़्यादा आसान होता। सबसे पहली चीज़ कि जी वैगन के अंदर आपको थोड़े एफर्ट्स तो लगते हैं बैठने में, लेकिन इसकी सीटिंग पोजिशन काफ़ी हाई है तो बाहर का कमांडिंग व्यू आपको मिलता है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलती है। दूसरी बात, मर्सिडीज़ की ट्रेडिशनल ट्विन स्क्रीन सेटअप आपको इसमें मिलेगा, लेकिन जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है ये लेटेस्ट MBUX सिस्टम से लैस नहीं है और ना ही ये टच स्क्रीन है। इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको एक क्लाइमेट कंट्रोल पैनल मिलता है जिसके थ्रू आप क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे की तरफ ये ट्रेडिशनल क्लॉक दी गई है और यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए भी बटन्स मौजूद हैं, या फिर आप यहाँ सेंट्रल कंसोल में मौजूद नॉब के ज़रिए भी इस स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये टच स्क्रीन नहीं है। स्टेयरिंग पर कुछ कंट्रोल्स माउंटेड हैं जिनके थ्रू आप अगेन जो ड्राइवर डिस्प्ले है उसको ऑपरेट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। एक चीज़ और, इसमें आपको सनरूफ तो मिलती है लेकिन सनरूफ को आपको मैनुअली ऐसे ओपन करना पड़ेगा। ग्लास को ओपन करने के लिए यहाँ पर एक बटन मौजूद है, लेकिन ख़ास बात यह है कि ऊपर क्योंकि रूफ रैक मौजूद है तो इसीलिए इस सनरूफ की यूजिबिलिटी उतनी इस स्पेसिफिक वर्जन में नहीं है, क्योंकि रूफ रैक मोर देन हाफ ऑफ सनरूफ को कवर कर लेता है। साथ ही अगर आप यहाँ स्क्रीन के नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये ट्रेडिशनल राउंड AC वेंट्स मिलते हैं और जो इसका पूरा केबिन लेआउट है वो काफ़ी मॉडर्न है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, यहाँ पर जो बीच में आपको ये नॉब्स दिखाई दे रहे हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ही इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को प्ले करने के लिए आप यूज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल लॉक के बटन्स मौजूद हैं। ये फ्रंट डिफरेंशियल लॉक, सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक और रेयर डिफरेंशियल लॉक के बटन्स दिए गए हैं। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो लेदर रैप्ड हैं, सीट्स कंफर्टेबल हैं, हीटेड और वेंटिलेटेड दोनों ही फंक्शंस आपको दोनों ही फ्रंट सीट्स में मिलते हैं। साथ ही जो लेदर का इस्तेमाल किया गया है वो गाड़ी के अंदर भी पूरे रूफ को कवर करता है, जो कि ब्लैक लेदर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको पूरी गाड़ी में फ्रंट डैशबोर्ड में आपको जो क्वालिटी मटेरियल्स मिलेंगे वो प्रीमियम मिलेंगे। साथ ही जो सीट कलर आपको मिल रहा है वही सेम सीट कलर का फैब्रिक आपको डोर पैनल्स में भी मिलता है। एक और चीज़, क्योंकि ये है तो ऑफ रोडर और कंपनी ने इसको स्पॉटी एलिमेंट लैंड करने के लिए ये रेड सीट्स बेल्ट भी दी हैं। चलिए, तो फ्रंट सीट की बात हुई, स्पेस डिसेंट है, सेकेंड रो कैसा है वो देख लेते हैं। सेकेंड रो में स्पेस ठीक ठाक है और यहाँ आपको जो सीट्स मिल रही हैं वो कंफर्टेबल हैं, थोड़ी अपराइट ज़रूर हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको जो थाई सपोर्ट है वो काफ़ी एम्पल मिल रहा है। यहाँ आपको तीन डिफरेंट हेडसेट्स मिलते हैं, यानी तीन इंडिविजुअल पैसेंजर्स के लिए तीन अलग अलग हेडरेस्ट मौजूद है। यहाँ बीच में आर्मरेस्ट है जिसमें कप होल्डर्स का भी स्पेस है, प्लस ये विंडो है जिसके थ्रू आप रूफ बूट को स्पेशली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड रो में बहुत ज़्यादा आपको वो लग्जरी फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, लेकिन डिसेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ आपको AC वेंट्स मिल रहे हैं, ये क्लाइमेट कंट्रोल के लिए एक नॉब मौजूद है। अब बात करते हैं इसके इंजन और परफॉर्मेंस की, तो आपको इसमें वही 3 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है जो कि G350 में भी आता था, लेकिन इस इंजन को G400 में अपग्रेड किया गया है फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर पावर। ये इंजन अब G400 में 330 HP की पावर और 700 Nm का टॉर्क लैंड करता है। G350 में जो पावर थी वो 44 HP कम थी, तो यानी ज़्यादा पावर आपको इसमें मिल रही है। दूसरी चीज़, इसमें जो 9-speed टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स है वो काफ़ी स्मूथ है, यानी जब आप इसे चलाएंगे हाईवेज पर तो आपको ये महसूस भी नहीं होगा कि ये डीजल गाड़ी है, क्योंकि आपको नॉइज़ डीजल इंजन में जो यूजुअली सुनाई देती है वो केबिन में सुनाई नहीं देती है। जी वैगन का जो ऑरा है, जो स्टेटमेंट है, वो आपको इसमें महसूस होगा जब आप इसे हाईवेज पर ड्राइव करेंगे, वो कॉन्फिडेंस ये आपको पूरा लैंड करेगी। इस गाड़ी का जो वेट है वो 2.5 टन का है, ये कर्व वेट है, और इस भारी भरकम गाड़ी को चलाते वक्त वो वेट आप फील भी करेंगे।
एक चीज और, ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 6.4-6.5 सेकंड्स में हासिल कर लेते, तो इस वेट के साथ भी ये गाड़ी काफी क्विक है। आपको टर्न्स पर इसमें बॉडी रोल तो मिलेगा, लेकिन उस बॉडी रोल को ओवरकम करने का भी सोल्यूशन है इसमें। जो फ्रंट की दोनों सीट्स में उसमें जो ये बॉलस्टर्स है ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं अगर आपने उनको ऑन किया हुआ है तो। जी वैगन में आपको बाकी मर्सिडीज गाड़ियों की तरह एयर सस्पेंशन तो नहीं मिलता है, लेकिन इसका सस्पेंशन सेटअप इस तरीके का है कि आप खराब से खराब सड़कों पर इसको लेकर जाइए, रफ पैच पर लेकर जाइए, आपको जो जर्क्स हैं, जो झटके हैं वो केबिन में महसूस नहीं होंगे। अगर आप बहुत स्मूथ ड्राइव कर रहे हैं, हाईवेज पर हैं, तो मैक्सिमम आपको 7.8 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। सिटी में हैं, आपने ओवरटेकिंग कर रहे हैं, तो इसका जो माइलेज है वो ड्रॉप होके 5-6 किलोमीटर प्रति लीटर तक आ जाएगा। तो अब ये माइलेज इतना कम देती है, तो सवाल यह है कि अगर आप इसे कहीं दूर दराज ले जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों पर ले जा रहे हैं, तो फिर आप इसको ड्राइव कैसे करेंगे? अगर फ्यूल पंप ना हो तो उसका भी सोल्यूशन है। इसका जो फ्यूल टैंक है वो 100 लीटर्स का है, यानी एक बार अगर आप फुल करके चलेंगे तो एटलीस्ट 650-600 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तो कवर कर ही लेंगे। अब सवाल यह है कि इस गाड़ी को ले, ये 2.5 करोड़ की कीमत के साथ आती है, तो क्या ये वर्थ बाइंग है या फिर नहीं? तो इसका एक ही जवाब है कि जो जी वैगन है ये एक सिर्फ एक SUV नहीं है, ये अपने आप में एक आइकॉन है, ये एक इमोशन है। तो जो इसे खरीदते हैं वो इसके प्राइस को नहीं, इसके ऑरा के लिए इसको खरीदते हैं, और शायद यही वजह है कि G63 हो या G350 हो, सभी सोल्ड आउट है। जी वैगन सिर्फ एक SUV नहीं है, बल्कि ये एक स्टेटमेंट है, एक आइकॉन है, और इसकी पावर, परफॉर्मेंस और लग्जरी इसकी पहचान है, इसीलिए इसकी कीमत करोड़ों में जाती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे Volkswagen ID.4 का रिव्यू। आप देखते रहिए आवाज ओवरड्राइव।